गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटेसी टिप्स बाय एसएल चैम। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश टी20 ब्लास्ट के बारे में, और इस मैच के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। साथ ही साथ यहां से अब आपको इंग्लिश टी20 ब्लास्ट के मैक्सिमम मैचेज हम लोग कवर करेंगे, और कुछ वीडियो आप लोगों को ऐसी मिलेगी जिससे कि आप लोगों को फैंटेसी खेल के अर्न करने में आसानी होगी। तो आज सैटरडे संडे, हर सैटरडे संडे को आपको एक एक ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेगा टीम से अलग, तो आप लोग वो वीडियो कभी मिस मत कीजिएगा। तो जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश टी20 ब्लास्ट के बहुत सारे मैच होते हैं एक दिन में, कभी 7 मैच 8 मैच 10 मैच होते हैं। तो वैसे केस में हम लोग 2-3 अच्छे मैसेज का वीडियो कवर करेंगे, और उसके टीम भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करेंगे। टेलीग्राम पर चैनल पर कैसे आना है वो हम आपको बता दें। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल सारे टीम्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। अभी जैसे कबड्डी देख लीजिए, यहाँ पे विनिंग परसेंटेज आप खुद जाके चैनल को स्क्रॉल करके देख लीजिए, बहुत ही अच्छी है। चैनल को कैसे ज्वाइन करना है तो आपको टेलीग्राम पर सर्च कर लेना है @SLChampTeam। जैसे ही सर्च कीजिएगा SLChamp नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर आप लोग वीडियो का टाइटल उसको टच कीजिए, वहाँ से डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करके देखिए, आपको बेनिफिट बहुत ही अच्छा मिलेगा। 2-3 दिन में आपको खुद समझ में आ जाएगा चैनल किस टाइप का है, बैलेंस एकदम बहुत ही अच्छी कम्बिनेशन का टीम जो कि आपको हमेशा प्रॉफिट में रखेगा। आप रेगुलरली खेल रहे हैं तो यहां से आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो चलिए अभी हम लोग फिलहाल मैच की बात करते हैं। तो ये मैच जो होने वाला है, आपको इसका वेन्यू है ग्रेस लॉर्ड लेस्टरशायर, ठीक है, लेस्टरशायर का ये होम ग्राउंड है। तो यहां पे क्या होगा, पिच के बारे में हम लोग बात करें, पिच रिपोर्ट। तो इस पिच पे जो है बैट्समैन को थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है। यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस देखे जाते हैं नॉर्मली 170-180, और सबसे बड़ी बात ये है टॉस जीतने वाली टीम नॉर्मली चेस करना यहाँ पे पसंद करती है, ठीक है। जो दो टीम टॉस जीतेगी उसके हम लोग ज़्यादा बॉलर रखेंगे, और साथ ही साथ उसके ओपनर सेक्शन से मतलब टॉप ऑर्डर के 2-3 बैट्समैन रखेंगे। ये ट्रिक होगा आपको इसमें, क्योंकि यहाँ पे चेस करना थोड़ा सा आसान है। और हम बात करते हैं यहाँ पे वेदर जो है वो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे पेसर्स को थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज मिलता है एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। स्पिनर्स को थोड़ा सा कम विकेट मिलता है कम्पेयर टू पेसर्स। यहाँ पे पेसर्स को जो है डेथ में नॉर्मली विकेट मिलते हैं, स्टार्टिंग में ही मिलने के चांसेस होते हैं। तो हाई स्कोरिंग मैच है तो हम लोग को थोड़ा सा बैट्समैन और ऑलराउंडर सेक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा कवर करना है। अब हम बात करते हैं टीम की, पॉसिबल लाइनअप की, और साथ ही साथ यहाँ से कौन कौन से प्लेयर अभी इन फॉर्म है, फॉर्म में कौन कौन से उसकी। तो सबसे पहले चलिए लेस्टरशायर के हम लोग देखते हैं प्लेयर्स को। तो ये पॉसिबल 11 आपको लेस्टरशायर का है, और पॉसिबल 11 के अकॉर्डिंग पिछले 5 मैचेस का जो है वो मैचेस के बारे में हम लोग आपको बताएंगे। तो यहाँ से एच रदरफोर्ड और लुइस हिल ओपनिंग के लिए आएंगे, तो दोनों ही अभी फॉर्म में नहीं है, पहले इसके मैचेज में ठीक ठाक थे। अभी देखिए पिछले मैच में रदरफोर्ड 0 पे आउट हो गए और लुइस हिल 2 रन बनाए। उससे पहले आप देखिए यहाँ पे रदरफोर्ड का ठीक ठाक रहा, लेकिन पिछले 2-3 मैच से ये उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। लुइस हिल पिछले मैच में बस फ्लॉप हुए, अदरवाइज ये ठीक ठाक है। एरन लिली एवरेज प्लेयर बट, और उसके बाद यहाँ कोयलन अक्रमन का देख रहे हैं, कोयलन अक्रमन का ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। ऋषि पटेल ठीक ठाक यहाँ पे कर रहे हैं ऑलराउंडर सेक्शन से। और यहाँ से लुइस किम्बर, बॉलिंग सेक्शन से बात करते हैं तो यहाँ बॉलिंग सेक्शन से यहाँ से बेन माइक, रेहान अहमद अच्छे फॉर्म में, हर मैच में विकेट इनको मिल जाता है, विकेट टेकल बॉलर हैं तो इसको हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन से, बैटिंग भी इनका थोड़ा सा आ जाएगा ऊपर, तो रेहान अहमद को हम लोग यहाँ से ले लेंगे। साथ ही साथ रोमन वालकर और नवीदीन हक को चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट आज के मैच में हम ट्राई करने का सजेशन नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पिनर्स को उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं, इसलिए नवीदीन हक छोड़ देंगे। कॉलम पार्किंसन आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस टीम के मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें तो इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से कॉलम पार्किंसन, रोमन वालकर, रेहान अहमद, और यहाँ से कॉलन अकरमैन, रदरफोर्ड और लुइस हिल, ये 6 प्लेयर इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो रदरफोर्ड को ड्रॉप कर सकते हैं, और ड्रॉप करना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, ओपनर बैट्समैन है तो रदरफोर्ड को रखिए। ये कम्बिनेशन मतलब ये 6 प्लेयर पर ध्यान रखिए। और पंट पिक की बात करें तो पंट पिक के लिए आप एरन लिली को ले सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ से आप ऋषि पटेल को भी ट्राई कर सकते हैं पंट पिक में, बट ये 6 प्लेयर इंपॉर्टेंट है, इसमें से हम लोग कम से कम 4 या 5 रखेंगे ही। पंट पिक में अगर ट्राई करना हो थोड़ा सा पंट 1-2 ट्राई कर लीजिएगा GL में, एरन लिली को आप पंट पिक में ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डर्बीशायर की। तो डर्बीशायर के साइड से देखिए यहाँ पर शान मसूद पिछले मैच में 12 रन बनाए हैं, लुइस रशी 3 रन, हैरी केन 23 रन, एल्डू पॉली 22 रन, वायने मैट से जो है ठीक ठाक खेल रहे हैं 20 रन, ब्रूक गेस्ट बहुत ही अच्छा, नीचे थोड़ा सा बैटिंग आता है लेकिन परफॉर्मेंस उसका ठीक ठाक है। और यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो यहाँ से सैम कॉनर जो है ये अच्छे फॉर्म में है, और यहाँ से जॉर्ज एस्क्रोयन, ये 2 बॉलर इसके ठीक ठाक है। सैम कॉनर जो है एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सैम कॉनर को आप चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये विकेट अगर लेते हैं 2-3 ले लेंगे, अदरवाइज इनको विकेट नहीं मिलता है। यहाँ से जॉर्ज एस्क्रोयन को कंटिन्यू विकेट मिलता है, मार्क वाइट को कंटिन्यू विकेट मिलता है, और यहाँ से मैटी एमसी केरन को कंटिन्यू विकेट मिल रहा है। तो बॉलिंग सेक्शन से ये 4 बॉलर हैं, और उसमें से आप चाहे तो पंट के तौर पे सैम कॉनर को ड्रॉप कर सकते हैं, बाकी 3 बॉलर को हम रख सकते हैं। यहाँ से बैटिंग सेक्शन से देखें तो विकेट कीपिंग से ब्रूक गेस्ट, शान मसूद रखिए, शान मसूद को ठीक ठाक है, लुइस रशी को रखिए,
और उसके बाद यहाँ से आप हैरी कैम या फिर एल्डोपॉली किसी एक को ट्राई कर लीजिए। तो ऐसे केस में हम हैरी कैम को ही सजेस्ट करेंगे, एल्डोपॉली को छोड़िए, ठीक है। तो इस टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर ये सब हैं। अब चलिए एक टीम बना के देखते हैं और उस कॉम्बिनेशन में आप क्या क्या कर सकते हैं वो आपको हम बताते हैं। तो ये टीम आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से हमने बैट्समैन को थोड़ा सा ज़्यादा फेवर किया है, यहाँ से ब्रूक गेस्ट, शान मसूद, मैट से हैरी कैम को आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं, उसके जगह पर आप एक बॉलर बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। हैरी कैम को चाहें तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, बट ठीक ठाक है हैरी कैम भी। हैरी कैम को ड्रॉप करके या तो आप लुइस रेसी के साथ चल जाइए, लुइस रेसी पिछले मैच में बॉलिंग नहीं रहे थे, हो सकता है आज उनको बॉलिंग मिल जाए, तो हैरी कैम को हटा के आप लुइस रेसी के साथ जा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से एमसी करन, रियान अहमद, मार्क वाइट, पार्किंसन और वॉलकर, ये टीम बहुत ही बैलेंस लग रही है। बस आप यहाँ पर अगर चेंज करना होगा तो हैरी कैम को आप यहाँ से ड्रॉप करके यहाँ से लुइस रेसी या फिर एल्डोपॉली को ले सकते हैं, ठीक है। फाइनल टीम आप लोग टेलीग्राम पर देंगे, टेलीग्राम चैनल पर कैसे आना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से आप लोग आ जाइए, वीडियो का जो टाइटल उस पर टच कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारे टीम्स फ्री हैं कंप्लीटली, किसी भी टीम का कोई भी चार्ज नहीं है और ना ही कभी होगा, तो इसलिए सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। आज शाम में आपको एक दो अच्छे वीडियो मिलेंगे इन्फॉर्मेटिव, जो कि आपको कैसे खेलना है, किस तरीके से अभी करंट सिचुएशन जो है उस सिचुएशन में आपको कैसे खेलना है, उन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।